इस वेले की वड्डी खबर पंजाब दे सरहदी इलाके तो सामने आ रही है जिथे उस वेले भारतीय फौजा वालों फायरिंग की गई जदों पंजाब विच तस्करी दे बढ़ रहे मामलों विच फौज वालों नशा ते पिस्तौलां दे नाल नाल जिंदा कारतूस बरामद किए गए जिन्हां दे खुलासे खुद DIG प्रभाकर जोशी वालों किए गए। आज सुबह 5:30 बजे 113 बटालियन की डेरा बाबा नानक रोड BOP के इलाके में बॉर्डर पिलर 42 के नज़दीक सीमा सुरक्षा बल का बहादुर जवान कांस्टेबल हेमराम जब भयंकर धुंध में पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसने पाकिस्तान की तरफ से संदेहास्पद आवाज़ सुनी। उसे लगा कोई पाकिस्तान की तरफ चल रहा है। उसने तुरंत चैलेंज करा और जो ही उसने चुनौती दी पाकिस्तान की तरफ से भारी तादाद में हमारे बहादुर जवान की तरफ फायर करा। हमारे जवान ने बिना धैर्य खोए उस फायर का जवाब दुस्साहस का जवाब दुगनी गति से दिया और बहुत मजबूती से उसने 25 राउंड तुरंत फायर करे। इसी बीच में जो हमारी टीम रहती है और जो पेट्रोल कमांडर थे सब इंस्पेक्टर अमरपाल वो भी तुरंत आ गए और उन्होंने सबने मिलकर के जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आ रही थी उसका कठोरता से जवाब दिया। फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही और हमारे जवान भी पूरे साहस के साथ उसको जो पाकिस्तान की तरफ से स्मगलर का नापाक कोशिश थी उसका जवाब देते रहे। इसी बीच में हमें भी खबर लग गई कि इस तरह का अटैम्प्ट हुआ है और कमांडेंट साहब जो नज़दीक की पोस्ट पे घनिये के पे तैनात थे पेट्रोलिंग कर रहे थे और मैं खुद गुरदासपुर से तुरंत यहाँ के लिए पोस्ट के लिए रश करा क्योंकि धुंध बहुत थी और हम भी यहाँ पहुँच गए। हमारे पहुँचने के बाद हमने फेंसिंग का गेट खुलवाया और पूरी पार्टी के साथ इलाके की सर्च करी। सर्च अभी भी जारी है और धुंध काफ़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब हम वहाँ पर गए जिस एरिए पे जो हमारे जवान और पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ फायर हुआ था तो वहाँ पर फेंसिंग से कोई 30 मीटर दूर एक 15 फीट लंबा पाइप पड़ा हुआ था जिसके अंदर एक कपड़े के अंदर स्मगलिंग ये हेरोइन के पैकेट पड़े हुए थे। तो जब हमने उस पूरे उनको बाहर निकाला कपड़े के उसको तो उसमें 20 जो आपके सामने ये रखे हुए हैं 20 पैकेट ये हेरोइन प्रतीत होती है और इसके अंदर किसी में 1 किलो किसी में 1.25 किलो या किसी में 900 ग्राम इस तरह से ये लगता है इसके अंदर भरी हुई है।